नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर, पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइन, हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, डिप्टी सीएम बोले 5000 कर्मचारियों ने इन्वेस्ट किया पैसा। किंग पिन सुभाष शर्मा को जारी किया लुकआउट नोटिस। डिप्टी सीएम सीपीएस मामले की सुनवाई टली, हाईकोर्ट में बेंच बदलने के चलते 7 दिसंबर को डेट मिली। चुनाव लड़ने की इच्छा जताना सबका अधिकार, टिकट देना पार्टी विशेषाधिकार। कंगना के चुनाव लड़ने के बयान पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बरसे सतपाल सत्ती, नगर परिषद प्रकरण पर अधिकारियों को दी हद में रहने की नसीहत। दिवाली पर एचआरटीसी चलाएगा 174 स्पेशल बसें, छुट्टियों पर घर आना हुआ आसान। हिमाचल महिला हैंडबॉल टीम का विजय अभियान शुरू, गोवा को एक तरफा मुकाबले में हराया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 5000 सरकारी कर्मचारियों ने भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने तो इस काली कमाई के लिए नौकरी तक छोड़ दी और समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद भी पैसा इन्वेस्ट किया, औरों से भी निवेश कराया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है। देवभूमि में इस तरह का फ्रॉड बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार द्वारा गठित एसआईटी तत्परता के साथ काम कर रही है, आने वाले समय में और गिरफ्तारियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के 1 लाख लोगों को इसमें ठगा गया है। डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। जजों की बेंच बदलने की वजह से अब यह मामला आगामी 7 दिसंबर को सुना जाएगा। पिछली सुनवाई तक इस मामले को न्यायाधीश विवेक और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी सुन रहे थे, मगर आगे से इस मामले को न्यायाधीश विवेक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच सुनेगी। अदालत ने राजभवन से डिप्टी सीएम की शपथ को लेकर जो रिकॉर्ड तलब किया था उसे कोर्ट ने अपने कब्जे में ले लिया है। आज की कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार ने उस एप्लीकेशन को भी वापस ले लिया है जिसमें सरकार ने केस को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करने की अर्जी दी थी। जिला व मंडी से संबंध रखने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा चुनाव लड़ने को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज मंडी में महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि जो चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है वही इस तरह का बयान देता है। वैसे भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन टिकट किसे देना है, किसे नहीं और किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना है, यह सब पार्टी हाईकमान तय करता है। यह सब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ही निर्भर करता है कि उन्होंने किसे कहां से टिकट देना है। इस पर किसी को भी टिका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने और लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। विधायक ने कहा कि जंगल राज की तरह जिला में लगातार गोलीकांड हो रहे हैं। सरकार की नाकामी है कि अब तो मोहल्ले के लड़ाई झगड़े में भी गोलियां चलने लगी हैं, हत्याएं होने लगी हैं, फिरौती के नाम पर गोलीकांड हो रहे हैं। विधायक सतपाल सिंह ने नगर परिषद कार्यालय में अधिकारी और पार्षद के बीच हुई घटना को लेकर भी अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम दिवाली पर राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के लिए 174 स्पेशल बसें चलाने जा रहा है। इससे बाहरी राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए दिवाली पर घर लौटना अब और भी आसान हो जाएगा। एचआरटीसी की ये बसें 10 और 11 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलाई जाएंगी। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने शनिवार को बताया कि दिवाली के चलते 10 नवंबर को 92 अतिरिक्त बसें और 11 नवंबर को 82 अतिरिक्त बसें यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी अगर बसों में बुकिंग ज्यादा होती है तो बसों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। 37वीं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश महिला हैंडबॉल टीम ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया है।
अपने पहले ही मैच में हिमाचल प्रदेश की महिला टीम ने मेजबान गोवा की टीम को एक तरफा मुकाबले में पराजित कर दिया। प्रदेश की महिला हैंडबॉल टीम ने अपना पहला मुकाबला 51-8 से जीता। प्रदेश महिला हैंडबॉल टीम की कोच स्नेहलता मनोज ठाकुर व मैनेजर संगीता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश की टीम से मेनका पाल, निधि शर्मा, मिताली, प्रियंका ठाकुर, शालिनी ठाकुर, गुलशन, भावना, संजना, दीपा, शैलजा शर्मा, कृतिका ने गोल किए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।